बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम ड्रीम वीवर में किस तरह से अपने इमेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और इमेजेस को किस तरह से अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, बाज़ औकात हमें इमेज इंसर्ट करना होता है कुछ किस टेक्स्ट के दरमियान में या किसी खास लोकेशन पे। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने वेब पेज में टेक्स्ट के दरमियान में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त एक ब्लैंक पेज पर मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो, तो उसके लिए जिस इमेज को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ उसे मैं अपने एसेट्स पैनल में से उसका प्रीव्यू देख लेने के बाद, मैंने जब देख लिया कि मैं बेंच डॉट जेपिक को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और इसे ड्रैग करूंगा। और व्यूअर्स देखिए, मैं जहाँ पे भी इसे लेके जाता हूँ तो एक कर्सर बन जाता है। तो मैं जिस जगह पे इमेज को छोड़ना चाहता हूँ, जिस जगह इमेज को प्लेस करना चाहता हूँ, वहाँ मैं ले जाके इसे माउस के क्लिक को छोड़ दूंगा। और व्यूअर्स, हमारे पास इमेज एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। मुझे यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट जो है एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे बेंच एक्सरसाइज। व्यूअर्स देखिए, इमेज तो इंसर्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम पे चला गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इस इमेज को रैप करे, यानी इस इमेज के साथ साथ जो है वो टेक्स्ट हमारे पास नजर आना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में मौजूद है। यहाँ पे व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसी चीज़ को डील करूंगा। और यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में। जब हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं और वो इमेज सेलेक्ट हुआ होता है, व्यूअर्स ये बात ध्यान में रहे कि वो इमेज जो है वो सिलेक्ट जरूर हुआ हो। तो व्यूअर्स, हमारे पास नीचे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में इमेज के हवाले से कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं। तो मैं अलाइन में से व्यूअर्स अगर इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा तो इमेज जो है हमारे लेफ्ट पेज की लेफ्ट साइड पर रहेगा और टेक्स्ट जो है उसकी राइट साइड पर आ जाएगा। देखिए, जो ही मैंने लेफ्ट को सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इमेज तो वहीं पर रहा, लेकिन जो तमाम टेक्स्ट था वो उस इमेज के राइट साइड पर जो अलाइन कर गया। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज राइट साइड पे है और टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे है, तो मैं इमेज को सिलेक्ट करके और राइट को सिलेक्ट करूंगा तो इमेज मेरा जो है वो राइट साइड पर चला गया और उसका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे मेरे पास नजर आ रहा है। व्यूअर्स, इसके अलावा इस इमेज के कुछ और कंट्रोल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। मसलन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइज हमारे पास इमेज का नजर आ रहा है, विड्थ इसकी 210 पिक्सल्स है और हाइट इसकी 240 पिक्सल है। हम इस विड्थ और साइज को, हाइट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और व्यूअर्स, जब आप इस इमेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से भी आप साइज को जो है हैंडलर से, इस हैंडल से, रिसाइज हैंडल से भी आप साइज को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आपके पास यहाँ पर वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस है। वर्टिकल स्पेस से क्या मुराद है व्यूअर्स, हम यहाँ पे स्पेस 10 कर देते हैं और मैं एंटर करता हूँ इसको। जो ही मैंने 10 लिख के एंटर किया व्यूअर्स, टॉप पे ऊपर से जो है नीचे की तरफ 10 पिक्सल्स की स्पेस जो है वो छोड़ दी गई है। मैं इसको दोबारा जीरो कर देता हूँ। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस भी इंसर्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अगर 10 पिक्सल का जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पेस देता हूँ तो मेरा जो पिक्चर है वो पेज के एज से 10 पिक्सल लेफ्ट साइड पर मूव कर गया। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप पिक्चर को इंसर्ट करते वक्त ऑल्ट टेक्स्ट नहीं डाल सके तो यहाँ पे आपके पास ऑल्ट टेक्स्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर व्यूअर्स, अगर आप इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने के लिए बेसिकली बाय डिफॉल्ट ड्रीम वीवर आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इमेज एडिटिंग के लिए ड्रीम एडोबी फोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका एडोबी फोटोशॉप ऑन हो जाएगा और जिसमें ये इमेज जो है वो इंसर्टेड होगा, जहाँ पे आप इस इमेज को एडिट कर सकेंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं इमेज को तो आप बॉर्डर भी इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से इमेज को टेक्स्ट के दरमियान में इंसर्ट करके अपनी मर्जी की पोजीशनिंग टेक्स्ट और इमेज दोनों को दे सकते हैं।